नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पीएम मोदी ने की लक्ष्य सेन और वंदना कटारिया की तारीफ, सपोर्ट में भीड़ ने जलाई फ्लैश लाइट, कही ये बात। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया की तारीफ की, साथ ही उनके सपोर्ट में भीड़ ने मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जलवाई। खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भाइयों और बहनों की जगह परिवार जनों कहकर लोगों को संबोधित किया। श्यामपुर में चोरी करने वाला कठुआ गैंग का सदस्य गिरफ्तार, 100 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। श्यामपुर क्षेत्र में चोरी करने वाले कठुआ गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने आरोपी के साथी को वांछित बनाया है, क्योंकि वह टिहरी जेल में बंद है। रक्षा मंत्रालय की जमीन का फर्जी बैनामा बनाने वाला अरेस्ट, सहारनपुर रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े रजिस्ट्री घोटाले के तार। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जमीन तक के फर्जी बैनामे तैयार कर रखे हैं। फर्जी बैनामा घोटाले की जांच कर रही पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने यूपी के बिजनौर निवासी हुमायूं परवेज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लेमन टाउन इलाके में फर्जी बैनामों के जरिए करीब 11 लोगों को 3 करोड़ की जमीन बेची है। बॉर्डर एरिया तक ट्रेन लाने की तैयारी, बड़े पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान वे सबसे पहले भारत के आध्यात्मिक भूमि आदि कैलाश पहुंचे। यहां शिव मंदिर में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के विराट दर्शन किया और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश की यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इसके बाद पीएम पार्वती कुंड में दर्शन कर गुंजी में सेना के जवानों व स्थानीय लोगों से मिले। वह जागेश्वर धाम पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम ने पिथौरागढ़ में रिमोट का बटन दबाकर 4200 करोड़ की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी रही। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी कह रहा है हम गरीबी हटा कर रहेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अपडेट न होने पर ACS राधा रतूड़ी हुई नाराज, दिए ये निर्देश। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को समय से पूरा करने को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी दिशा में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की विभिन्न विभागों से जुड़ी घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सचिव स्तर पर पेयजल आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्यालय शिक्षा और शहरी विकास विभाग में हर महीने समीक्षा कर इसका कार्यवत भेजे जाने के निर्देश दिए। पीएम ने जागेश्वर धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना, भगवान जागन्नाथ का लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैलाश आदि के दर्शन किए और पूजन के बाद अल्मोड़ा जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां पीएम मोदी ने भगवान जागन्नाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी की पूजा सम्पन्न करवाई। ऑटो चालक को पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने बुरी तरीके से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। हरिद्वार में ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले लोग पेट्रोल पंप के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। मारपीट भी हरिद्वार के एक पेट्रोल पंप पर ही हुई है। चॉकलेट दिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 35,000 का ठोका जुर्माना। रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने आरोपी को 20 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई और 35,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सड़कों का कायाकल्प, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले देहरादून की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, देवभूमि से अच्छी यादें लेकर जाएंगे मेहमान। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही नवंबर में 6वां शिशु आपदा प्रबंधन सम्मेलन होगा। उत्तराखंड भर्ती घोटाले के सरगना पर बड़ी कार्रवाई, संजीव चतुर्वेदी की संपत्ति कुर्क के आदेश जारी। उत्तराखंड पटवारी और जेई भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी पर डीएम हरिद्वार ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम धीराज सिंह ने संजीव चतुर्वेदी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये संपत्ति पेपर बेचकर जुटाई गई रकम से ली गई है। उत्तराखंड में 5 साल के बच्चों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, अब तक 9 लाख लोग करा चुके फ्री इलाज। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 9,11,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। अब 5 साल के बच्चे का भी आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा, जिससे बच्चों का भी आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज हो सकेगा। उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के सपनों पर फिरा पानी, व्यक्तिगत बार लाइसेंस फैसले पर आबकारी विभाग का रोल बैक। उत्तराखंड में व्यक्तिगत बार लाइसेंस को लेकर आबकारी विभाग ने रोल बैक कर लिया है। दरअसल हाल में घरों में बार लाइसेंस दिए जाने का मामला चर्चाओं में था, लेकिन लोगों के विरोध की संभावनाओं को देखते हुए फिलहाल इसे वापस ले लिया गया है। हल्द्वानी में मैच चंद सेकंड में सांड ने व्यक्ति की पटक पटक कर ले ली जान, लोगों में दहशत। हल्द्वानी में आवारा पशु का आतंक बना हुआ है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया। वही मुखानी थाना क्षेत्र के शिवालिक विहार में आवारा सांड ने एक व्यक्ति को पटक पटक कर घायल कर दिया। परिजन घायल को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद लोगों में खासा रोष है।
विभागीय मंत्री को नहीं अपने विभाग में करोड़ों के घोटाले की जानकारी, पड़े पूरी खबर। जहां एक और प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं विभागीय मंत्री को ही अपने विभाग में करोड़ों रुपए के घपले का पता तक नहीं है। मीडिया ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो सकपका गई और मामले की जांच कर कार्रवाई की बात करने लगी। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग युवती हुई गर्भवती, बच्चे को दिया जन्म, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में एक नाबालिग किशोरी से अज्ञात युवक ने दुष्कर्म किया। किशोरी गर्भवती हो गई, तबियत खराब होने पर परिजन किशोरी का अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो गर्भवती है। किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वन्य जीवों की रेस्क्यू के लिए वन कर्मियों को मिला खास बुलेट प्रूफ कवच, खासियत सुनकर रह जाएंगे हैरान। आप उत्तराखंड वन विभाग के कर्मियों को रेस्क्यू के दौरान स्पेशल कवच पहने हुए देखेंगे, जो वन कर्मियों को रेस्क्यू के दौरान हिंसक जानवरों के हमले से सुरक्षित रखेगा। रोबोट की तरह दिखने वाला है बॉडी आर्मर किट बुलेट प्रूफ जैसा है, जिस पर जंगली जानवरों के हमले का कोई असर नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची से जुड़ी नियमावली का नोटिफिकेशन जारी, तैयार की जाएगी 25% से अधिक प्रतीक्षा सूची। उत्तराखंड कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा समूह क, ख और ग की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित सूची के अनुसार ही रिक्तियों से 25% से अधिक सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। रुद्रपुर में चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आरोपी गिरफ्तार, बाइक भी बरामद। रुद्रपुर पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उधम सिंह नगर के कई थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उधर हरिद्वार पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में धोखाधड़ी करने वाले ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ को मिली 4,200 करोड़ की सौगात, पीएम बोले आज दुनिया भारत की ताकत को देख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने गुंजी में रम समाज के स्टॉल में पारंपरिक वस्तुएं और उत्पाद देखे, साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल भी बजाया, लोगों का हाथ हिलाकर स्वीकार अभिवादन किया। पीएम पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रामनगर में परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, हत्या की आशंका जताते हुए लगाई न्याय की गुहार। संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को रामनगर कोतवाली के बाहर रखकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। घरेलू बाल लाइसेंस पर रोक, घर में हुई रार, महिलाएं उतरी विरोध में तो आयुक्त को वापस लेना पड़ा फैसला। घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। इस संबंध में बुधवार को आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था, इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से की मुलाकात, बुजुर्ग महिला को देख हुए भावुक। पिथौरागढ़ के आदिकैलाश दर्शन और पार्वती कुंड मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रहे। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव के लिए रवाना हुए। गुंजी गांव पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में आता है। गुंजी गांव कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। बता दें कि धारचूला से गुंजी गांव तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा चुकी है। राजा जी और कॉर्बेट में शिकारी पक्षियों पर अध्ययन की मिली अनुमति, लगाए जाएंगे सैटेलाइट टैग। उत्तराखंड में पहली बार गिद्धों की 4 प्रजाति के 2 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा। शिकारी श्रेणी का यह पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। राजा जी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले इस अध्ययन के लिए सैटेलाइट टैग लगाने के प्रस्ताव को केंद्र पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।